हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी काले लॉक्स। सो गाइस, आज है मेरा स्पेशल डे, यानी कि आज मेरा बर्थडे है और मैं फिलहाल हूँ उज्जैन में। सो हम लोग उज्जैन नगरी में बर्थडे बनाने वाले हैं, और यानी कि मैं मेरे पियर हूँ। सो अभी मैं मेरी फैमिली के साथ बर्थडे बनाने वाली हूँ। सो अभी टाइम हुआ है 12:15, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, 15 मिनट और बचे और मुझे आ रही बहुत तेज नींद, यानी कि मुझे आज नींद आ रही है, सुबह से मार्केट वगैरह जा रही हूँ मैं। सो देखते हैं अभी कैसा रहता है बर्थडे का दिन। यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे टीका कर रही है, और टीका होने के बाद ही हम लोग केक कटिंग करेंगे। और इस तरीके से टीका करते हैं। केक कटिंग के बाद में हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया, और पूरे डांस का मजा तो दीयू ने लिया है, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे डांस करने की कोशिश कर रही थी। देखिए आप, गाइज गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, और अभी मैं करूंगी भगवान की पूजा। और भगवान की पूजा करने के आधे घंटे अप्रॉक्स बाद में हम लोग जाने वाले हैं महाकाल मंदिर। सो अभी हम महाकाल के दर्शन करने वाले हैं आज, और देखते हैं कि ये बर्थडे मेरा कैसा स्पेशल बनता है। सो गाइज, अभी हम लोग हैं मंदिर के बाहर, अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और मंदिर के बाहर कुछ ऐसा सा है, और अभी फिलहाल चल रहा है महाकाल मंदिर का काम। सो बहुत ज्यादा थोड़ा फोड़ी भी हुई है। सो अभी मैं जा रही हूँ पीछे के गेट से, क्योंकि आगे की एंट्री अभी बंद कर रखी है। सो अभी देखते हैं, अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने वाले हैं, और फूल माला वगैरह भी लेनी है। सो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ से लेते हैं फूल माला वगैरह। गर्भगृह के दर्शन तो बंद है, क्योंकि दर्शन तो बाहर से ही करने हैं, रैलिंग वगैरह लगी हुई है, आजकल तो बहुत ज़्यादा पाबंदी करती है। सो अभी हम लोग वहीं से दर्शन करने वाले हैं, और करवाती हूँ मैं आपको महाकाल के दर्शन। तो कुछ ऐसा सा है महाकाल मंदिर, बहुत पुराना सा है। सो अब बहुत ज़्यादा इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, और अभी तो रिनोवेशन भी चल रहा है महाकाल मंदिर का। सो बहुत अच्छा बनने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ जल, और ये जो जल है ये डायरेक्टली शिवलिंग पे जा रहा है। आज के लिए नया चीज उन लोगों ने स्टार्ट करा है कि गर्भगृह से दर्शन बंद कर दिए, सो यहाँ से हम जल चढ़ाएंगे तो डायरेक्टली शिवलिंग पे जाएगा और शिव जी को अर्पित होगा। सो मैं भी बनवा रही हूँ यहाँ पर धागा, और इस धागे को बोलते हैं रक्षा सूत्र। और अगर आप महाकाल आए तो धागा बांधना ना भूले, क्योंकि इसी धागे से पता पड़ेगा कि आप लोग महाकाल गए।
सो ये धागा बांधना न भूल। महाकाल मंदिर के मतलब इनके साक्षी होते हैं कि महाकाल मंदिर के हम लोगों ने दर्शन किए हैं। सो ये है मंदिर, अभी मैं आपको बैक साइड से भी बताऊंगी। सो करवाती हूँ मैं आपको। तो गाइस दर्शन हमारे हो गए हैं और मैं यहाँ पर लगवा रही हूँ महाकाल का टीका। और जब भी आप महाकाल आए तो महाकाल का टीका जरूर लगवाएं, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अलग अलग टाइप के महाकाल के टीके होते हैं, जैसे महाकाल लिखा हुआ होता है, त्रिशूल मंडा हुआ होता है, ओम लिखा हुआ होता है, बहुत अच्छा टीका लगता है ये। सो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने लगवाया। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और ये रहा मेरा बर्थडे ड्रेस और मेरा मेकअप भी दिखाना, मैंने एकदम लाइट वेट मेकअप करा है, देख सकते हैं आप। और हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सो देखते हैं, अभी होटल वगैरह डिसाइडेड नहीं है और अभी हमारा सडनली हुआ है कि हम लोग कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे और हो सकता है कि मेरे लिए सरप्राइज हो, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कि मेरे लिए कोई सरप्राइज है या नहीं है। सो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है बट कि सरप्राइज हो सकता है। सो देखते हैं क्या है सरप्राइज। और हमारे साथ जा रही है क्यूटी पाई दियू। दियू किसके बर्थडे में जा रहा है? मासी के बर्थडे में जा रहा है क्या? मासी के बर्थडे में जा रही है दियू, है ना दियू? केक खाएगा ना यम्मी यम्मी सा? यो ब्यूटीफुल ड्रेस। सो ये रहा मेरा केक और ये केक का वीडियो मेरे पास नहीं था, सो मैंने मेरे भाई से लिया था और ये सब मेरे लिए सरप्राइज था, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए हैं और ये रही। तो गाइस फाइनली मुझे मेरा सरप्राइज मिल गया है। अभी हम लोग होटल में हैं और मेरे लिए डेकोरेशन किया हुआ है। मेरे साथ आ जाओ। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा डेकोरेशन किया हुआ है। सो गाइज ये है मेरा सरप्राइज और मुझे सरप्राइज मेरा बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। सो मुझे ज्यादा अच्छा लगा और होटल भी बहुत अच्छा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था और केक तो मेरा पसंद का था। सो बहुत अच्छा लगा मुझे केक और वो टेस्टी भी था। सो केक कटिंग तो हम लोगों का हो गया है, अब हम लोग खाना खाएंगे और खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था और होटल का नाम था टाइम्स हेडक्वार्टर और आप जब भी जाएं तो टेस्ट करना, खाना बहुत टेस्टी है और ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल बर्थडे था क्योंकि बहुत अच्छे से सरप्राइज था मेरे लिए। तो गाइस
सेलिब्रेशन में महाकाल गई थी, उसके बाद हम लोग घर गए थे, थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट वगैरह करा और उसके बाद हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन करा। और ये जो सेलिब्रेशन था ये पूरा मेरे लिए सरप्राइज था, और सबसे ज्यादा मेरी खुशी के लिए ये बात है कि ये मेरा फर्स्ट बर्थडे सरप्राइज था, यानी पीयूष जी ने और मम्मी पापा ने मिलकर सबने मुझे सरप्राइज दिया था, और ये सबसे स्पेशल था क्योंकि मेरी शादी के बाद का फर्स्ट बर्थडे था, तो सब कुछ सरप्राइज था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला यार, मुझे आज तक लाइफ में इतना बड़ा सरप्राइज नहीं मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी। सो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज यार गाइस जाके सब्सक्राइब करो।